नया दिन के व्यूअर्स को फहीम मलिक, बाबर मलिक, और आज पिछले वीक की तरह असद राउत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, हमारी स्टूडियो में कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम थोड़ा सा सही टाइम पे लाइव नहीं आ सके, लेकिन यह है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हम प्रोग्राम को आज थोड़ा सा लेट कंटिन्यू करेंगे। तो बाबर, आज ऑब्वियसली हमने ऑलिव के ऊपर बात करनी है, तो मैं आप दोनों एक्सपर्ट्स पर छोड़ता हूँ। अगर मेरे जेहन में कोई सवाल आएगा तो मैं बीच में शामिल हो जाऊंगा। आप बिल्कुल प्रोग्राम को स्टार्ट करिए और बताइए कि ऑलिव के बारे में क्या क्या हमारे मुल्क में हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू फहीम साहब, वेलकम असद साहब। लास्ट एपिसोड में जिस तरह हमने एक शुरुआत की थी आपके इंट्रोडक्शन से, और उसमें बड़े इंटरेस्टिंग दो से तीन सेक्टर जिन पे आपने काफ़ी एक्सटेंसिवली काम किया है, राइस में और डेयरी में, उनके बारे में भी हमें जानने का मौका मिला। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक दिया ऑलिव सेक्टर के बारे में। तो आज जहाँ पे हमने तो पिछले प्रोग्राम को ख़त्म किया था, वहीं से ही इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि ऑलिव सेक्टर को ज़रा इन डेप्थ जाके समझ सकें। तो वेलकम, आप बताइए थोड़ा सा कि क्या है पाकिस्तान का ऑलिव सेक्टर, क्या किस किस्म की हमारी, मतलब कैसी इन्वायरमेंट है, क्या हमारी लैंड, हमारा वेदर सूट करता है ऑलिव की कल्टीवेशन को, और अगर करता है तो किन एरियाज में करता है, कौन सी वैरायटीज हैं जिनको सूट करता है, किस किस्म की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में आपने जिन एरियाज का जिक्र किया वहाँ तो पानी की ही बड़ी कमी होती है, तो क्या ऐसे ही ज़मीन में लगा दिया जाए या इसमें कोई टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देनी है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या किस किस तरह ऑलिव सेक्टर ग्रो कर रहा है, किन चीज़ों की ज़रूरत है इसको आगे लेके चलने के लिए। जी शुक्रिया बाबर। हम वहीं से, मेरा ख्याल है जैसे आपने बिल्कुल कहा, हम वहां से ही स्टार्ट करते हैं। बुनियादी तौर पर देखें, जो प्रॉस्पेक्ट हैं पाकिस्तान में या इम्कानात हैं ऑलिव के हवाले से, वो हमने लास्ट वीक भी इसका जिक्र किया था कि इसके इम्कानात तो बहुत ज़्यादा हैं। जो कुदरती अवामिल है उनके हवाले से हमने बात किया था कि तकरीबन मिलियंस एकर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं ऐसे एरियाज में जहाँ का मौसम जो है और जो बाकी कुदरती अवामिल हैं वो ऑलिव की कल्टीवेशन के लिए मौजू हैं पाकिस्तान में। और अगर आपको याद हो तो हमने ये बात भी इसका जिक्र किया था कि तकरीबन पाकिस्तान के तीन बड़े सूबे जो हैं उनमें एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा एग्जिस्ट करता है जहाँ पे जो अवामिल हैं वो उतने ही मुआफिक हैं जितना के लीडिंग जो कमर्शियल प्रोड्यूसर्स हैं दुनिया में ऑलिव के, उन जैसा माहौल यहाँ पे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। मिसाल के तौर पे हम अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में तकरीबन ऐसे 7 जिले हैं, खास तौर पे जो पूरी की पूरी पोठोहार की बेल्ट है जिसमें आपको पता है रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट है, अटक है, चकवाल है, खोशाब है, इन एरियाज में इस वो ये उस बेल्ट में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे ऑलिव बहुत अच्छे तरीके से कमर्शियली प्रोड्यूस हो सकता है। और जो जिक्र आपने इसके अलावा किया उसमें ये है कि ये वो इलाके हैं जहाँ पे कुछ बहुत सारी ऐसी ऐसी जमीन है जहाँ पे कुछ और चीज़ें जो हैं एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिविटीज़ उतनी मुनाफा बख्श नहीं है, इसलिए वो जो जिनको हम थोड़ा मार्जिनल लैंड्स कहते हैं वो ऑलिव के लिए फिर भी जो है वो सूटेबल है। इसके अलावा जो है बलूचिस्तान के काफ़ी मेजर एरियाज़ हैं जिसमें ख़ास तौर पे एक इलाका है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें जिनको कहा जाता है कि ये मानसून के डिस्ट्रिक्ट हैं बलूचिस्तान में, यानी यहाँ पे गर्मियों में मानसून की जो रेंज है वो हवा की और उसका मौसम जो है वो उसमें पाया जाता है। और केपी के तो तकरीबन 10-12 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अलावा जहाँ पे बहुत बड़े एरियाज जो हैं वहाँ पे ऑलिव जो है वो उसकी पॉसिबिलिटीज प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं। मैं आपको गुनवा सकता हूँ, खास तौर पे अगर हम देखें
केपी के हवाले से, तो केपी में दी से लेके और आपका हजारा जिसमें मालाकंड में वो आ जाता है, आपका हरिपुर आ जाता है, इसके अलावा आप समझ लें कि कोहाट है, सवात है, मालाकंड का पूरा डिवीजन का बहुत सारा एरिया है, बनू है, ये सारे इलाके इसी तरीके से ऑलिव के लिए इसमें बहुत अच्छे इम्कान आते हैं। बलूचिस्तान का हमने जिक्र किया, पशीन, लोरालाई, खुजदार, जोब, मस्तूंग, कलात, इसी तरह हरनाई और बारखान, कोयटा, यानी बहुत बड़ा एरिया है। तो हम जो बात कर रहे थे पाकिस्तान के हवाले से जो आपने सवाल किया, तो पहली बात तो ये है कि बहुत सारे एरिया जो है उसमें नेचुरली कमर्शियल प्रोडक्शन पॉसिबल है। ये इम्कान जो हैं पहले टेस्टेड नहीं, ये चीज़ तो मालूम थी पाकिस्तान में बड़े अरसे से लोग इस चीज़ को जानते थे कि जो कुदरती वैराइटीज़ हैं, जो ऑलिव की दरख्त वाली जो जो इसका समझ लें कि जो जो पौधे की किस्म है, तो ये कुदरती तौर पे पाया जाता था पाकिस्तान में, तो ये इसकी इंडिकेशन थी कि ये ऑलिव कमर्शियल भी यहाँ पे होगा। लेकिन अब पिछले 3-4 सालों में जो बहुत बड़ा एक जो फर्क आया है वो ये है कि कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो टेस्ट हो, और इस टेस्टिंग के बाद अब ये कॉन्फिडेंस जो है वो मौजूद है वो लोग जिन्होंने पहले से शुरू किया, और वो लोग जो नया इसमें आ रहे हैं, जॉब तो जॉक आ रहे हैं ऑलिव की प्रोडक्शन में, कल्टीवेशन में खास तौर पे, कि अब ये चीज़ जो है वो कमर्शियली वायबल होने वाला जो टेस्टिंग है वो हो गई है और लोगों को रिजल्ट्स जो हैं वो मिल गए हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जब आपको कमर्शियली रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए तो फिर आपको वो जो अननोन का जो फैक्टर होता है कि जी ये पता नहीं इस तरह चीज़ हो सके या ना हो सके, उससे हम पाकिस्तान में अब आगे गुजर गए। ये उसका एक एस्पेक्ट है इन इम्कानात के हवाले से। दूसरा जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है उसमें यही कॉन्फिडेंस इस वजह से भी आ गया है कि गवर्नमेंट ने भी इसको रियलाइज़ किया, और गवर्नमेंट के बहुत सारे जो सपोर्ट के हवाले से जो चीज़ें हैं वो भी इसमें ऑलिव की कल्टीवेशन के लिए कम से कम मौजूद हैं और वो कंटिन्यू कर रही हैं। तो इस लिहाज से बुनियादी जो बात है जो कि हर लिहाज से ज़रूरी भी है कि पाकिस्तान में ऑलिव की जो पैदावार है उसका अब एक अगला फेज़ है जिसमें चीज़ें हो रही हैं, हो चुकी हैं, और अब ये इसके इम्कानात मज़ीद एक्सपेंशन के हवाले से जो है वो बहुत खुशनुमा और ब्राइट हैं। अच्छा असद साहब, ये बताइए, आपने आपने पोटोहार की बात की, उसके अलावा आपने बलूचिस्तान और केपी की बात की। पोटोहार जो है ये भी सारा बारानी एरिया है, यानी कि यहाँ पे हमारा इरिगेशन का निज़ाम, जो पंजाब का एक इरिगेशन का निज़ाम है जिसकी वजह से पंजाब में ज़राअत पॉसिबल होती है, एग्रीकल्चर हो सकती है। तो ये तो पोटोहार की जो बेल्ट हैं ये तो बारानी एरिया है, यहाँ पे बारिश के थ्रू तो पानी अवेलेबल हो सकता है, लेकिन जो हमारा इरिगेशन का निज़ाम है वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये इलाके पहाड़ी इलाके हैं, ऊपर नीचे टेरेन है, तो यहाँ पे ट्यूबवेल लगाना भी शायद बड़ा महंगा और बड़ा एक्सपेंसिव साबित हो सकता है। तो इन इलाकों में जहाँ पानी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, नंबर वन, नंबर टू ये कि पहाड़ी इलाके हैं तो ज़मीन भी ऊपर नीचे है, उसको प्रॉपर लेवल भी नहीं है, लेवल की हुई ज़मीन पे ज़राअत करना ज़रा आसान होता है। तो थोड़ा सा ये बताइए कि कैसे इतने मुश्किल इलाकों में, ये पोटोहार में, बलूचिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ पे, केपी के जहाँ पे पानी का भी इशू है, ज़मीन भी लेवल नहीं है, तो किस तरीके से ये यहाँ पे मुमकिन होता है, और क्या गवर्नमेंट भी कोई सपोर्ट देती है जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो रहा है? जी, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया। पोटोहार में ख़ास तौर पे, पोटोहार के बहुत सारे इलाकों में इरिगेशन का कोई मौजूदा निज़ाम मौजूद नहीं, और मुश्किल टेरेन होने की वजह से ज़ाहिर है पानी की जो दस्तयाबी है
उसको ज़्यादा वो उसमें बहुत सारी मुश्किलात दरपेश हैं। और फिर उसके साथ जो जो रेन है या बारिश है सालाना, वो भी समझ लें 200-250 मिलीमीटर से लेके तो 400-450 मिलीमीटर के है, जो कि बाकी बहुत सारी एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन ऑलिव के लिए ये इतनी रेन जो है, इतनी बारिश जो है, वो काफ़ी हद तक सफिशेंट होती है। ये नहीं वो पूरा हो जाती है, प्रोवाइडेड के उसमें पानी का जो सोर्स है इरिगेशन के लिए वो डेवलप कर दी जाए। और इत्तेफाक से इस वक्त जो एक और फैक्टर है वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और इत्तेफाक से हमने जो पोटोहार में प्रोजेक्ट जिसको जो रिसेंटली काम किया, उसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडीज रखी हुई थी वाटर सोर्स के डेवलपमेंट के लिए। यानी जब से ये सोलर का बेस पंप आ गए हैं, तो वो जो बहुत बहुत बड़ा हर्डल था ना, कि जी आपको फ्यूल से ट्यूबवेल चलाने पड़ते थे और पंप चलाने पड़ते थे, जो बहुत एक एक्सपेंसिव था, मुश्किल था, एक तो वो ओवरकम हो गया। फिर उसमें भी गवर्नमेंट ने सोलर पंप्स के लिए और उसको इवन ट्यूबवेल्स को करने के लिए एक अपनी सब्सिडी जो है उसमें प्रोग्राम में रखी हुई थी। और उसके साथ साथ आपको पता है कि आजकल प्रिसीजन एग्रीकल्चर में प्रिसीजन इरिगेशन जो है वो बहुत रोल प्ले करती है, और ऑलिव की हद तक भी ड्रिप इरिगेशन का पूरा निज़ाम जो है उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के हवाले से। तो ऑल्दो के पोटोहार में जो ज़्यादा पानी वाली फसलें हैं उनको उगाना मुश्किल है, लेकिन ऑलिव के लिए ये चीज़ और भी मुमकिनात में और एक फिजिबिलिटी में आ गई कि अव्वल तो पानी कम चाहिए, और जब पानी चाहिए भी उसके लिए भी जो वाटर सोर्स की डेवलपमेंट और ड्रिप इरिगेशन के सारे निज़ाम आते हैं उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जिसका नतीजा ये है कि अब ये एक अच्छे तरीके से ऑलिव के जो ऑर्चर्ड्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, और उन बागात में जो पानी की ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो रही हैं। तो केपी और बलूचिस्तान में तो और भी हालात निस्बतन बेहतर हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी केपी में भी ज़्यादा है। और बलूचिस्तान के जो जिन मैंने मानसून के एरियाज का जिक्र किया, उनका मानसून की बारिशों की वजह से वहाँ पे पानी जो है अवेलेबल होता है उस वक्त में, खास तौर पे जब ऑलिव को ग्रोथ के लिए चाहिए। तो ये एक आप समझ लें कि इम्कान में जो इजाफा हुआ है उसमें ये फैक्टर्स भी शामिल। अच्छा असद, मैं जो आपकी बात समझ सका हूँ, गवर्नमेंट ने सब्सिडी देते हुए, सब्सिडी दे के हमारे जो फार्मर्स हैं उनको सोलर पंप्स लगा के दिए हैं, जिससे वो ज़मीन के नीचे से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पानी जो है वो पंप आउट कर सकते हैं। उसके अलावा वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से उन्होंने मेरे ख्याल से कोई रेन वाटर की हार्वेस्टिंग के लिए कोई पॉन्ड्स बनाए होंगे, ताकि जब बारिश पड़ती है तो उन पॉन्ड्स में पानी जो है वो सेव कर लिया जाता होगा और बाद में वहाँ से भी अपनी फसलों को लगाया जा सकता होगा। उसके अलावा आपने बताया कि ड्रिप इरिगेशन का निज़ाम दिया, जिससे पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बेहतर और कम हो जाती है, यानी कि आप बिल्कुल वो प्लास्टिक की नालियों के थ्रू कतरा कतरा पानी दे के तो वो थोड़े पानी में बहुत ज़्यादा एरिया जो है उसको कल्टिवेट कर सकते हैं। तो इस किस्म की सपोर्ट दे के गवर्नमेंट ने एक पानी का मसला जो है वो तो हल कर लिया है। उसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं, ज़मीन ऊपर नीचे है, उसको लेवल करने के हवाले से भी कुछ सपोर्ट है, या उसमें फार्मर जो है वो अपने आप पे ही करता है, कैसे होता है वो सारा कुछ? दो और प्रोग्राम्स हैं, एक तो जो वाटर सोर्स के हवाले से स्मॉल डैम्स के प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से चल रहे हैं। यानी जहाँ जहाँ मुमकिन है वहाँ पे गवर्नमेंट ने स्मॉल डैम और पॉन्ड बनाने के लिए जो है वो बहुत सारे साइट्स पे वो सपोर्ट या सब्सिडी जो है वो उन इलाकों के जो फार्मर्स हैं उनको दी जा रही है। और उसके अलावा आप समझें कि जो वाटर सोर्स डेवलपमेंट है, जो कि पॉन्ड का जिस तरह आपने जिक्र किया, रेन हार्वेस्टिंग यहाँ पे हो सकती है, उसके लिए भी लोगों ने पॉन्ड बना के तो अपने छोटे छोटे जखीरे जो है वो बनाने शुरू कर दिए हैं, जिससे फिर बाकी सारे वक्त में वो पानी जो है पंपिंग के जरिए अवेलेबल है। और वो सोलर का जिस तरह हमने जिक्र किया,
सोलर पंप्स के साथ अब ये एक एक नॉर्मल सी बात है कि जितना पानी आपको ड्रिप इरिगेशन के लिए चाहिए वो लोगों ने उसको मैसर कर लिया इन मंसूबों की वजह से। तो जो जैसे हमने बात किया कि वो उसका जो एरिया है बहुत सारा ऐसा है जो कि पहले मुमकिन में शामिल ही नहीं था कि वहां पे ऑलिव या कोई चीज हो सके, अब वो जाहिर हो रही है। तो बाकी रही बात स्लोप की, स्लोप ये है कि ऑलिव का क्योंकि बागात स्लोप पे लगते हैं और एस्टेब्लिश होते हैं, तो इसलिए ऑलिव के लिए जो चीज सुटेबल है, जो जगह सुटेबल है वो बाकी शायद उस पर हो ना हो, लेकिन ऑलिव वायरल हो रहा है स्लोपी एरियाज में। यही एक एडवांटेज है इस सारे प्रोग्राम का। अच्छा, आप ये बताइए कि एक तो थोड़ा सा अगर आप कुछ हमें अंदाजा दे सकें कि कितने एकड़ पे ये बागात लग चुके हैं, मतलब क्या थोड़ा सा अभी लगा है या बहुत अच्छा खासे एरिया पे ये बागात लग चुके हैं, थोड़ा सा प्रोविंशियल अगर डेटा आपके पास हो वो शेयर कर लीजिए, पंजाब का वरना जरूर शेयर कर लीजिए क्योंकि मुझे पता है आपका ज़्यादा फोकस पंजाब की तरफ रहा। एरिया के अलावा थोड़ा सा ये भी बताइए कि ये बाग कब लगे और इस पे कितना को फल लगता है, मतलब क्या इतना फल लगता है, इतनी यील्ड आती है एक दरख्त से कि वो फार्मर को प्रॉफिटेबल हो सके, और फिर वो फल की क्वालिटी कैसी है, क्या वो ऐसी क्वालिटी है कि उसमें से अच्छा तेल निकाला जा सके जो जो अच्छी सेहत के हवाले से भी और जायके के हवाले से भी अच्छा हो, जब वो तेल निकाला जाए तो वो कितने परसेंट तेल निकलेगा उस फल में से, ये तो नहीं है कि वो फल में से इतना थोड़ा तेल निकलेगा कि वो आगे चल के जिसने फैक्ट्री लगानी है तेल निकालने के लिए वो उसके लिए ही फिजिबल ना रहे और उसको फिर नुकसान होना शुरू हो जाए, तो ये यील्ड क्वालिटी और प्रोडक्शन एरिया के बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि थोड़ा सा हम ज़्यादा एजुकेट हो सकें इस बारे में और इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें। जी, ये इसमें आपके काफ़ी सारे सवाल क्योंकि शामिल है, मैं कोशिश करूंगा कि हम एक एक करके उसको इस पे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। लेकिन सबसे पहले बात तो ये है कि जो पंजाब में इस पोठोहार में ऑलिव के बागात लगाने का जो सिलसिला है ये पहले भी चल रहा था, लेकिन 2016 से फिर इसमें बहुत तेज़ी आई है और एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्रोजेक्ट इस पे शुरू किया जिसमें ये सारी सब्सिडीज भी शामिल थी। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छे पौधों की फरहमी जो कि अच्छा तेल और अच्छी यील्ड देते हैं वो भी शामिल थी। और ये तकरीबन इस प्रोजेक्ट के मुताबिक तो तकरीबन 20-21 हज़ार एकड़ पे जो है ये बागात लगाने का ये मंसूबा था। और जो मेरे पास इसकी जो लेटेस्ट समझते हैं जो इंफॉर्मेशन है उसमें तकरीबन ये 11 से 12 हज़ार एकड़ पे तो इसी इसी एक मंसूबे के अंदर जो है वो ऑलिव के बागात लग चुके हैं। जो ये सिलसिला 2016 से 17-18 इस तरह हर साल उसमें इजाफा होता जा रहा है, और इस साल जो हम बड़ा सेफली कह सकते हैं कि ये तकरीबन 14-15 हज़ार एकड़ जो है ऑलिव का बागात जो है वो सिर्फ पोठोहार में लग चुके हैं, जिसमें क्योंकि लोगों ने इसको देख लिया कि अब ये हो रहे हैं तो लोग प्राइवेटली इस मंसूबे के बाहर भी खुद भी अपने बागात में इजाफा करते जा रहे हैं। अब रही बात के ये बागात जो हैं इत्तेफाक से इनमें जो वैरायटीज इस वक्त जो आप समझते हैं कि ऑलिव की जो किस्में लगाई जा रही हैं ये दुनिया की जो बेहतरीन किस्में मौजूद हैं इस वक्त, यानी जो आप समझते हैं कि इटली से, स्पेन से, टर्की से, यानी वो ममालिक जहाँ पे ऑलिव के अच्छे रिजल्ट्स लिए जा रहे हैं प्रोडक्शन के हवाले से, उन्हीं की बेहतरीन वैरायटीज जो हैं उनको जिनके रिजल्ट अच्छे थे यानी तेल के हवाले से भी और ज़्यादा फल फल होने की वजह से भी, उनको पाकिस्तान में ला के तो उनको टेस्ट करके तो फिर ये पौधे जो हैं वो लगाए जा रही हैं, किस्में लगाई जा रही हैं। इसका नतीजा ये है कि ये सारी किस्में इसमें मशहूर हैं, अरबिकिना है, गैमलेट है, काफ़ी सारी ऐसी वैरायटीज हैं जो कि जिनका पूरी दुनिया में प्रूवन रिकॉर्ड है अच्छी तेल की पैदावार के हवाले से। तो ये सब अब यहाँ पे इन बागात में लगी हुई हैं। अब जो आपने बात पूछी कि कितना तेल हमारे यहाँ पे हो रहा है, देखिए एक हमने एस्टिमेट पिछले साल इस पे जो है वो करवाया था, उसका एक मोटी मोटी आम समझने के लिए जो एक तरीका हो सकता है वो ये कि
उस एस्टिमेट के मुताबिक अंदाजा ये था कि 30-35% जो है हर साल तेल में और जो फल में इजाफा जो है वो होता रहेगा, क्योंकि जो 2016 में जो बागात लगे वो जाहिर है 20 में उन्होंने फल देना शुरू कर दिया, 21 में वो फुल प्रोडक्शन पे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक रिजल्ट ऐसे हैं कि 5वें साल जो है जाके जो बागात हैं वो कमर्शियल प्रोडक्शन पे आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इस कैटेगरी में आ गए हैं या इस अमल में आ गए। पहले 6वें और 7वें साल में भी फल लोगों को नहीं मिल रहा था, तो ये सारा कुछ होने का एक नतीजा ये निकला कि वो 5वें साल में प्रोडक्शन में काफी सारे बागात चले गए, जो कुछ लोगों ने तो इस साल 3रे साल में भी उनको थोड़ी क्वांटिटी में फल मिला है, जो कि बहुत खुशाइंद है नेचुरली। लेकिन पूरे इलाके का जो एस्टिमेशन है, और खासतौर पर मैं पंजाब की ही बात करूंगा, वो एस्टिमेट ये है कि 30-35% फल हर साल इजाफा होता रहेगा या हर साल रहेगा। ये उसके अलावा है जो नए बागात अब लग रहे हैं और लगेंगे, ये जो लगे हुए बागात हैं उसके हवाले से हम ये बात कर रहे हैं। तो इसका दूसरा जो पहलू है वो ये है कि शुरू में जैसे 2019 में जब ऑयल की प्रोडक्शन के हवाले से इस पे एनालिसिस किए गए, तो कुछ इलाकों में पानी की बारिशों के कम होने की वजह से या कुछ और वामल की वजह से, आप समझें कि जो ऑयल की प्रोडक्शन थी वो नस्बतन कम थी जो कि दुनिया में इन वैरायटी से लिया जाता है। लेकिन ऐसे केसेस भी हुए कि जो दुनिया में जो इसका पोटेंशियल माना जाता है इस इन वैरायटीज का, उसके बराबर और उससे ज्यादा भी पाकिस्तान में जो है ऑयल लोगों ने हासिल किया। इसका मतलब यह है कि जो लोग तो अच्छी इरिगेशन और बाकी जो इसके एग्रोनॉमी के जो मराहल होते हैं, जैसे खाद वक्त पे डालना और पानी वक्त पे देना और उसकी हिफाजत करना पौधे की, उनका जो फलों का रिजल्ट है वो भी दुनिया के मुताबिक जो है वो आ रहा है, और फिर उसमें से जो तेल निकल रहा है वो भी उस पोटेंशियल के करीब हम चले गए। यानी आप ये अंदाजा करें कि कुछ वैरायटीज जो है ना, इसमें आप समझें कि इसका कमर्शियल पोटेंशियल होता है तकरीबन तकरीबन आप समझें 18 से 22-23% के दरमियान तेल की परसेंटेज निकलती है। अगर आप सारा तेल निकालें ऑलिव के फल से, उसमें से कोई तकरीबन 10-12% तेल होता है जिसको हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल या वर्जिन ऑयल कहते हैं, यानी जो एक खास तरीके से बगैर किसी केमिकल के एक कोल्ड प्रेस का तरीका होता है जिससे ये मशीनों से तेल निकाला जाता है। ये परसेंटेज जो है ये बहुत हेल्दी है बहुत, और ये तेल वो है जो जिसके हमने जब टेस्ट करवाए हैं पिछले साल मुख्तलिफ इलाकों के, तो इनकी खासियत उससे भी अच्छी है जो कि आपको दुनिया में बेहतरीन इलाकों से जो तेल इस वक्त ऑलिव का निकल रहा है, यानी उसकी जो सेहत के हवाले से और उसकी जो उसका जायका उसकी खुशबू इस तेल की जो है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक। अच्छा, मैं अगर आपकी बात को समराइज कर सकूं, तो 2016 में आपने कहा कि गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम के तहत कुछ टेक्नोलॉजी फार्मर्स को देनी शुरू की, जिसमें अच्छी वैरायटी और अच्छी नर्सरी शामिल थी, उसमें पानी के निज़ाम के हवाले से सपोर्ट शामिल थी, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वगैरह, सोलर सिस्टम वगैरह, और इस साल में जो है बाकायदा एक कमर्शियल लेवल प्रोडक्शन का एक स्कीम के तहत आगाज किया गया। क्योंकि हर फल की तरह दरख्त बनने में और फल लगने में 4 साल का अरसा राउंड अबाउट लग जाता है, तो ये 2020 का साल है जहाँ पे इन तमाम 2016 के जो लगे हुए बागात हैं उन्होंने फूटिंग पे आना था या उन्होंने फल देना शुरू करना था। वो ना सिर्फ ये कि वो 2016 के जो बागात लगे थे उन्होंने 2018 में कुछ थोड़ा बहुत फल देना शुरू किया होगा, फिर 2019 में कुछ थोड़ा सा फल दिया होगा, और 2020 में वो अपनी पूरी ताकत पे या पूरे फोर्स के साथ फल देना शुरू कर देंगे। लेकिन इस प्रोग्राम के तहत क्योंकि हर साल 2000, 3000, 4000 एकड़ मजीद लग जाते थे, तो इस तरह हर साल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती जा रही है, जहाँ पे एक तरफ पुराने लगाए हुए बागात फल देने पे आ रहे हैं, इस तरह जो नए बाग लग रहे हैं वो भी अपने दूसरे साल में, तीसरे साल में
उन्होंने भी कुछ ना कुछ फल जो है वो देना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से एक प्रोडक्शन में जो है वो एक पीक आप बता रहे हैं कि आनी शुरू हो गई है। ये तो आपने बाग के हवाले से बात की। जब आपने फूड की बात की तो आपने कहा कि फार्मर्स की प्रैक्टिसेस का थोड़ा सा, क्योंकि लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है, पहली दफ़ा उनसे मुतारिफ हुई है, प्लस ये इलाके भी ऐसे हैं जहाँ पानी के भी मसला है, ज़मीन की लेवलिंग का भी मसला है, तो फार्मर्स ने कुछ थोड़ा बहुत 2018 में जो फल लिया वो फल, और वो शुरू शुरू का फल, मुझे, मैं खुद क्योंकि एक ऑर्चर्ड अपना भी रन कर रहा हूँ तो मुझे पता है शुरू में जो पहले दूसरे तीसरे साल का फल है उसकी क्वालिटी वैसे भी थोड़ी सी हल्की होती है, और 5वें साल के फल की ही क्वालिटी अच्छी और भरपूर आती है। तो वो जो पहले सालों की क्वालिटी पे जो फल आपने लिया और उसको फिर तजर्बाती तौर पे उसमें से तेल निकाला गया, तो उसमें से 10 से 12% एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल निकला, जो कि एक बड़ी अच्छी परसेंटेज है और दुनिया के मुकाबले पे है। लेकिन जो उसमें से नॉर्मल ऑयल निकलता, जो एक्स्ट्रा वर्जिन से थोड़ी, वो 18 से 20% के बीच में दुनिया भर में निकलता है, और जो यहाँ का जो फल ने तेल निकाला वो 18% के करीब निकाला कुछ फार्मर्स के फल ने, और कुछ फार्मर्स के फल जो है उसने बेहतर परफॉर्म किया और 21-22% के करीब उसमें से तेल निकल सका। और फर्क, इस बुनियादी फर्क की वजह कि एक फार्मर के फल में से ज्यादा तेल निकल रहा है, दूसरे फार्मर के फल में से कम तेल निकल रहा है, ये इस चीज पे है कि उसने अपने बाग को कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया। जिस फार्मर ने बेहतर तरीके से मैनेज किया, अच्छी खाद लगाई, अच्छा पानी दिया, उस अच्छी छंटाई की, उसकी प्रूनिंग वगैरह ठीक तरीके से की, उस फार्मर के फल की क्वालिटी और वॉल्यूम दोनों बेहतर थे। तो ये मैं आपकी सारी बातों को अपने अपने लफ्जों में कैप्चर कर सकूं, लेकिन इससे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो सामने आती है कि इसका मतलब ये है कि हमारे फार्मर की स्किल और नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कामयाब है या ये पूरी शोभा कितना फिजिबल रहेगा, पूरी वैल्यू चेन जो है उसकी फिजिबिलिटी जो है वो फार्मर की कैपेबिलिटी पर और फार्मर के स्किल सेट पर भी डिपेंड करती है। तो फार्मर को ट्रेन करने के लिए, फार्मर का स्किल सेट बेहतर करने के लिए, उसकी लेबर को ट्रेन करने के लिए क्या क्या कुछ किया जा रहा है या क्या प्लान्स हैं, क्या ऑलरेडी हो रहा है? देखें, पहली तो बात यह है कि ऑलिव में एक जो अच्छी जो खुशाइन बात है, ये सिर्फ पंजाब की हद तक नहीं, मैं वाकिफ हूँ कि बाकी सूबों में भी इससे बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन पंजाब की हद तक आप भी वाकिफ हैं। बरानी एरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ पे इसकी काफ़ी एक्सपर्टीज डेवलप हो गई है, और हमने जो अपने प्रोजेक्ट में बरानी एरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके बहुत सारी ट्रेनिंग्स का बंदोबस्त जो है वो किया फार्मर्स के लिए, और ये एक ऑनगोइंग सिलसिला है जिसकी वजह से ये जो बुनियादी नॉलेज की कमी होने की वजह से या ना समझी या तजर्बा ना होने की वजह से जो मसाइल थे वो काफ़ी हद तक ओवरकम हो गए, और उसकी वजह यह है कि अब हर चीज़ का प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर में। अगर आप वो चीज़ें खास तरीके से, अच्छे तरीके से करते हैं, वक्त पे करते हैं और सही मकदार में उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जो कि उस पौधे की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, तो लामहाला आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, और यही हो भी रहा है। इनफैक्ट जो चीज़ पहले बहुत बड़े बड़े जो ग्रुप थे जिन्होंने बड़ी एफर्ट की ऑलिव के लाने में, और मैं बात कर रहा हूँ ये इस प्रोजेक्ट से बहुत पहले की, पंजाब में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2009-10-11 में ही इस पे बड़ा अच्छे लेवल पे काम करना शुरू किया, और शुरू में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी दरपेश आई, क्योंकि ये सब चीज़ें, ये इसकी जो एक्सपर्टीज है, ये नॉलेज है, ये चीज़ें पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब ये हमने जब 2015-16 में प्रोजेक्ट की बात करें, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत हाल है कि आपको ऑलिव के बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट पंजाब में आपको मिलते हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें करके, टेस्ट करके, अपना ये जो एक्सपर्टीज है, ये नॉलेज है, वो आगे फार्मर्स को ट्रांसफ़र भी करना शुरू कर। तो बहुत सारे फार्मर जो हैं ऑलिव के, कम अज़ कम जिनको मैं ज़ाती तौर पे बहुत को जानता हूँ, वो अब बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ों में करने के काबिल हो गए, क्योंकि वो चीज़ें अननोन चीज़ें थी वो अब नोन हो गई हैं, और बार बार एक्सपीरियंस करने के बाद
अब वो अपने तरीके से उसमें एक्सपर्ट हो। तो एक सिलसिला चल निकला है जो जैसे आपने कहा, अब देखें बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया में और टूल्स इलेक्ट्रॉनिक हैं जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो ऑलिव में तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप और बहुत सारी ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस की हुई हैं जो कि अब लोग खुद एक नॉलेज शेयरिंग के मैकेनिज्म के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किसी को कोई सवाल, कोई मुश्किल होती है तो फौरन उसको उसकी उसके लिए मिल जाती है, एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाती है, एक से ज्यादा जगह मिल जाती है। फिर जैसे हमने बात की इदारों की, तो बरानी एरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमने, जब मैं कहता हूँ हमने, तो हमारे प्रोजेक्ट ने एक पूरा एक रिसर्च सेंटर जो है बनाने में गवर्नमेंट के साथ उसको सपोर्ट किया है। तो अब पाकिस्तान में ऑलिव की रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए एक इदारा जो कि सिर्फ यही काम करता है वो भी इस्टेब्लिश हो गया है बरानी एरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और उसमें जितने एक्सपर्ट पॉसिबल हो सकता था मुख्तलिफ जगह से, जो कि नेशनली गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे, लेकिन उनकी अपनी ट्रेनिंग जो है ऑलिव के हवाले से करवा के उनको मास्टर ट्रेनर्स के तौर पे जो है वो डेवलप कर दिया गया। तो जिसका नतीजा ये है कि अब ऑलिव में मखसूस रिसर्च भी हो रही है, मजीद जहाँ जहाँ कोई इशू उस हवाले से आता है प्रोडक्शन के हवाले से उसके सोल्यूशन निकल रहे हैं। और साथ जिस तरह आपने जिक्र किया वैल्यू चेन की, जो मसाइल प्रोडक्शन के बाद है ऑयल को प्रोसेस करने के हवाले से और फिर मार्केट करने के हवाले से, पहली दफा ये जो एक जरूरत समझी जाती थी कि सिर्फ प्रोडक्शन हो जाए और फार्मर प्रोड्यूस कर ले और उसके बाद उसको पता ना चले कि क्या करना है, मार्केट कहाँ करना है। ऑलिव एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, जब तक ये किसी खास शक्ल में नहीं आएगा, तेल की शक्ल में नहीं आएगा, इसका कमर्शियल पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं होगा, तो इन मसाइल और इन इन एरियाज पे भी फिर काम करना शुरू होगा। मसलन मैं आपको ये बताऊं कि इसमें जो सिर्फ टेस्टिंग की हद तक कुछ फैसिलिटीज पाकिस्तान में मौजूद थी जो कि ऑलिव से ऑयल का निकालने की मशीनें अवेलेबल थी, अब पिछले 2 सालों में अब कमर्शियल जो है मशीनें जो हैं वो आ गई, कुछ हमने गवर्नमेंट के साथ लगा के काम करके गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट की हैं, तो अब वो अवेलेबल हैं फार्मर्स के लिए। उसके अलावा प्राइवेट लोग आ गए हैं जो कि ऑयल प्रोसेसिंग में उन्होंने सिर्फ किया, उनके अपने बागात नहीं है लेकिन वो अब मशीनें उन्होंने करवा के तो प्लांट्स लगाने शुरू किए, और अच्छा ये फहीम सिलसिला साहब, जो है हर साल बढ़ता जा रहा है। अच्छा वैल्यू एडिशन की तरफ जाने से पहले फहीम साहब आप अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं सिर्फ क्योंकि मैं आपकी बैक स्टूडियो गुफ्तगू सुन रहा था तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो मैं नहीं सामने लेके आया सिर्फ क्योंकि कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं। सिर्फ सवाल, क्योंकि मैं अगर सारे सवाल शेयर करूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कोई भी अगर ओवरसीज पाकिस्तानी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट जहाँ पे ऑलिव पे काम करना चाहता है, एक तो थोड़ा सा बताएं कि उसकी रिटर्न कैसी अच्छी हो सकती है, और छोटे से लेके बड़ा, ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी कैपेसिटी होती है, सिर्फ छोटे से छोटा सा भी यूनिट लगाना हो तो या काम उस पर करना हो तो वो कितना कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा है, और दूसरा प्रोडक्शन लेने के जो पीरियड है उसका कुछ टाइम लाइन अगर आप बता दें तो मेरे ख्याल में जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड हैं सब उनके लिए थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी जरूर। मैं एक तो खैर ये बात है कि जी ऑलिव के केस में लोगों ने तो 1 एकड़ 2 एकड़ पे भी अपने बागात लगाए, तो ये मुमकिनात में शामिल है कि आप बहुत छोटे स्केल पे भी बागात लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। और लेकिन जो हमने इस पे जो फिजिबिलिटी इस पे थोड़ा काम किया इस हवाले से कि अगर कोई इन्वेस्टर आता है इस काम में और तो उसको किस स्केल पे आना चाहिए और किस स्केल पे आके उसके जो रिटर्न्स हैं वो बेहतर हो सकते हैं, तो इस हवाले से जो फिगर है जो एक्सपर्ट्स ने इस पे जो काम किया है उसकी इकोनॉमिक्स को जो देखा है वो ये कहा जा रहा है कि 20 एकड़ कम से कम जो है वो हो तो वो एक ऐसा साइज है जिसमें आप पढ़े लिखे जो हैं यानी एक्सपर्ट भी ला के अपने स्किल्ड एम्प्लॉयज और अच्छे मैनेजमेंट के साथ जो है कमर्शियल लेवल पे फिर आप ऑलिव के ऑर्चर्ड हैं उसको मेंटेन कर सकते हैं।
और अगर किसी बड़े स्केल के इन्वेस्टर की बात है जिनके पास फाइनेंस का जो है वो इशू नहीं है, तो आइडियल ये है कि 50 एकड़ के करीब का जो है ना बागात हो। उस केस में फिर ना सिर्फ बागात की प्रोडक्शन बल्कि प्रोसेसिंग की अपनी फैसिलिटीज भी फिजिबल हो जाती हैं उस इतनी प्रोड्यूस पे। अब रही सवाल बात के कितना इसके लिए कैपिटल चाहिए, देखें इसमें ज्यादातर जो है वो कैपिटल में जमीन की कॉस्ट ही इन्वॉल्व है। सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो जमीन की खरीदने के हवाले से जो पैसा चाहिए वो है। तो पोठोहार में जमीन की कीमतों में फर्क भी है, जो थोड़ा सा मुश्किल इलाका है सड़कों से हटके है वहाँ पे जमीन अब आज भी बहुत सस्ती अवेलेबल है, और जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उसके लिए तो लोग यही प्रेफर करते हैं कि बड़ा चंक लिया जाए, सस्ता लिया जाए और उसके ऊपर उसको बागात डेवलप किया जाए। लेकिन अगर आप इसको मोटा मोटा समझें, जो एस्टिमेशन है वो ये है कि तकरीबन अगर 50 एकड़ के बाग की हम बात करें तो ये 50 से 60 पाकिस्तानी मिलियन रुपीस की कॉस्ट चाहिए उसको शुरू में एस्टेब्लिश करने, यानी जिसमें जमीन और उसके फिर बाग लगाने का जो उसमें खर्चा है और बाकी लवाजमात जिसमें के जाहिर पानी के और इस तरह की चीजें जो के बाग 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 को एस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी है। और ये आप एक समझ सकते हैं पाकिस्तानी रुपीस में अगर हम 50 मिलियन की बात कर रहे हैं तो ये 5 करोड़ रुपए समझ लें, 5-6 करोड़ रुपए की बात। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटीज हैं दोनों तरफ, अगर आप ऐसी लोकेशन पे जाना चाहें और या आपके पास अपनी जमीन हो तो ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्केल अप करना चाहें तो उसकी भी पॉसिबिलिटी, और जैसे लोकेशन हो उस लिहाज से। जी जी असद भाई, मैं इसी सवाल में, मैं पूरा आपका प्रोग्राम बैक स्टूडियो सुन रहा था, तो यहाँ पे ये स्पेशली आपने कहा कि ये स्लोप में ठीक लगते हैं, तो पहाड़ी इलाकों में ये ज्यादा सूटेबल है इंस्टेड ऑफ ग्रो लैंड, और अगर पानी की जरूरत है तो क्या ये बहुत ज्यादा पानी इनके लिए लगाना पड़ता है या क्या करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग जो यहाँ पे यूरोप में यूके में बेस्ड हैं उनका ताल्लुक वैसे पहाड़ी इलाकों से है, सो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। पानी ऑलिव को कम चाहिए, और पोठोहार में जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो दो तरह से है। जिस तरह आप समझें कि पंजाब में बाकी मैदानी इलाकों में आप कहीं भी ट्यूबवेल लगा के तो पानी जमीन से निकाल लेते हैं, ये ऑप्शन मौजूद है, पोठोहार में ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। पानी एक टेबल की शक्ल में मौजूद नहीं है बल्कि वाटर के चैनल्स हैं जो कि इस सारे इलाके में मुख्तलिफ जगह से गुजर रहे होते हैं। तो पानी को सर्च करना कि नीचे अगर पानी हो तो वो फाइंड करके तो फिर ट्यूबवेल लगाया जाता है, तो फिर वो पानी उसमें से निकलता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी इलाका है तो जो जैसे पंजाब में बाकी मैदानी इलाकों में 100-150 फुट इवन उस बाज का तो उससे भी कम में जो है वो पानी निकल आता है, तो पोठोहार में अगर आप थोड़ा सा ऊंचाई पे हैं और वाटर चैनल जो है वो नीचे भी हो सकता है तो वो 300, 400, 500, 600 फुट के नीचे आपको जाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजीज और निज़ाम क्योंकि अब मौजूद हैं तो इसमें क्रिटिकल यही होता है कि आपको वाटर चैनल आप आइडेंटिफाई कर लें तो फिर आपको पानी जो है इसमें अवेलेबल है। दूसरा जो है जो तरीकेकार है वो ये है कि वाटर चैनल जो हैं ये छोटे छोटे नदी नाले जो हैं वो अवेलेबल हैं, उधर से लोगों ने इसको यानी सरफेस से जो है वो पंप करके तो अपने लिए पहाड़ी पे या ऊंची जगह पे पानी को अपने बाग के लिए अवेलेबल कर लिया। इसके लिए सोलर पंप्स वगैरह जो हैं वो भी बेहतरीन इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी पानी चैनल पे अवेलेबल है उसको आपने पंप करके ऊंचाई पे ले गया और उसके बाद फिर ड्रिप इरिगेशन से सारा अपने अपने बाग को आपने जो है ना पानी की अवेलेबिलिटी या फराहमी जो है ना उसके लिए पैदा कर ली। पानी की क्योंकि पौधे के हिसाब से जरूरत कम है इसलिए ये निज़ाम कामयाबी से जो है वो चल भी रहा है। जितना पानी आपको फसलों के लिए चाहिए उसका एक एक समझ लें छोटा सा हिस्सा है जो कि बाग की शक्ल में है, तो ये एक फैक्टर है जो कि पोठोहार में पहाड़ी इलाकों के लिए भी ऑलिव को एक मुनाफाबद जो है वो एक ऑप्शन बना देता है, जबकि वहीं उन्हीं जमीनों पे बाकी चीजें जो हैं वो नहीं हो सकती।
या बाकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके लिए वो मुनासिब नहीं है उसके रिजल्ट अच्छे। अच्छा सर, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है अपना अपने बागों को मैनेज करने का, मैंने तो ये देखा है कि बाग के ऊपर जो आपकी कॉस्ट है, एक तो कुछ अपफ्रंट ज़्यादा आ जाती है आपको, अगर ज़मीन नहीं है तो ज़मीन खरीदनी है, पानी नहीं है तो पानी का ट्यूबवेल लगाना है, फिर नर्सरी खरीद के उस नर्सरी को लगाना है, और उसके बाद 3 साढ़े 3 साल उसका ध्यान रखना है, वो उसमें ज़्यादा जड़ी बूटियां ना हो, बोडी करनी है, स्प्रे करनी है, कीड़े मकोड़े ना लगे, खादें लगानी है, और उस 3 साल में आपको कुछ रिटर्न नहीं आ रहा होगा, आप सिर्फ बैठ के उस पौधे की खिदमत कर रहे हैं। 3 साल के बाद चौथे साल में जब फल आना शुरू होता है, 5वें साल में वो कमर्शियल लेवल पे आता है, तो उस टाइम पे आपकी इन्वेस्टमेंट और एफर्ट जो है वो बिल्कुल कम होती जाती है, आपका सालाना खर्चा, क्योंकि वो उसकी रूट्स नीचे डीप जा चुकी होती है तो पानी की भी जरूरत कम होती है, और पौधे में अपनी जान पैदा हो चुकी होती है तो गर्मी सर्दी की ताकत भी उसमें बढ़ जाती है, और वो जमीन के अंदर नीचे डीप रूट्स की वजह से जो है वो फर्टिलाइजर भी अपना इस्तेमाल खींचना शुरू कर देता है, तो आपकी एफर्ट, आपका खर्चा कम होता जाता है, और उसके बाद जो है ना सिर्फ रिटर्न्स ही ज्यादा रह जाती हैं। तो थोड़ा सा इन 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 डायनेमिक्स को देखते हुए, ये सभी बागों में ये डायनेमिक एज इट इज अप्लाई होते हैं, थोड़ा सा ये बताइए कि फिजिबिलिटी कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, पे बैक पीरियड क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर कमेंट कर सके। हम समझ रहे हैं कि ये एग्जैक्ट और एक्यूरेट तो ऑब्वियसली नहीं हो सकते, लेकिन एक अंदाजे के हवाले से अगर बात। मैं इसमें एक सवाल ऐड करता, असल भाई ये सवाल ऐड करता जाता हूँ। इसी तरह जैसे आपने कहा 50 एकड़, तो लोगों जैसे आपने कहा तो कईयों ने 1 एकड़ पे भी लगाई हुई है, और जिन्होंने अगर 1 एकड़ पे लगाई हुई है तो उनको कोई ना कोई रिटर्न तो मिल रही होगी लाजमी। मुझे पता है कि आपकी जो फील्ड है वो ज्यादातर आपके ज्यादा बड़े क्लाइंट्स हैं जिनको आप एक्सपर्टीज देते हैं, तो मेरी बार बार कोशिश होती है कि यहाँ पे यूके बेस्ड बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। कुछ लोग तो वैसे कंसोर्जियम बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग उनके पास ऑलरेडी लैंड है लेकिन उनको पता ही नहीं कि उसका करना क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो मैं सिर्फ सवाल इसलिए क्योंकि अगर 20 एकड़ पे करें तो ऑब्वियसली 5 करोड़ से तो 20 एकड़ पे करेंगे तो वो और नीचे आ जाएगा, लेकिन उससे छोटे प्रोजेक्ट भी जैसे आपने कहा 1 एकड़ या 2 एकड़, तो उनको क्या करना पड़ता है? और जो बाबा साहब ने सवाल किया है कि इसमें क्या रिटर्न के क्या है, मेरी कोशिश यह है कि छोटे इन्वेस्टर भी पाकिस्तान में जाके काम कर सके, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली ऑलिव ऑयल इज वेरी गुड फॉर दी हेल्थ, इसकी इसके बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं जो लोग नहीं देखते, जो आपको मेडिकल कंडीशन हो जाती है क्योंकि आप एक गलत ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी नज़र में ये ऑलिव ऑयल का काम वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा है। आप बिल्कुल आप पूरे सवाल को लेकर चलिए। जी फिंग साहब, जो आपका सवाल है ना उसको मैं जवाब बाद में देना चाहूंगा, पहले बाबर ने जो बातें की है ना उसको हम थोड़ा सा समझ लें। ये ख्वाहिश बहुत नोबल है जो आपने जैसे फरमाया, ये मकसद बहुत नेक है कि छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ भी जो लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ इसमें आ सकें, लेकिन पहले मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को समझना जरूरी है कि एक मुनाफे बख्श जो इन्वेस्टमेंट है उसका साइज क्या है और उसके फैक्टर्स क्या है, या कि उसको हम ये समझ सकें कि वो है क्या। उस मुनाफे का जो जो तायुन है वो तो ज़्यादा हम उन्हीं टर्म्स पे करेंगे ना जो स्टैंडर्ड तरीका है जिसपे इन्वेस्टर देखना चाहता है चीज़ों को, जिसका बाबर ने जिक्र किया है, जैसे कि रिटर्न क्या है, क्या उसका IRR कुछ कैलकुलेट हुआ है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऐसी किसी इन्वेस्टमेंट का, उसका पे बैक पीरियड क्या है। तो इन फैक्टर्स को हम पहले अगर देखें बाबर, इसमें जो हमने इस पे फिजिबिलिटी पे थोड़ा सा काम करवाया एक्सपर्ट से, उसमें जो नंबर सामने आते हैं वो कुछ इस तरह है कि तकरीबन ये जो आप समझ रहे हैं कि 50 मिलियन वाला जो प्रोजेक्ट है उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो तकरीबन 21-22 मिलियन की फिगर जो है वो आती है, लेकिन जाहिर है जब भी आप ऐसी कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ अजम्पशंस के साथ होता है। वो अजम्पशंस बड़ी स्टैंडर्ड हैं कि
लेकिन मैं उसमें अब आपको उस चीज को लिंक कर दूं जो आपने बागात के हवाले से कुछ मखसूस फैक्टर्स का जिक्र किया है, क्योंकि ऑलिव की जो फिजिबिलिटी है, रिटर्न है, वो बिल्कुल आपने सही कहा, वो बागात की तरह के जो फैक्टर्स क्योंकि इसमें हैं तो उसको समझना भी जरूरी है। जो बागात है ना, जिसका आपको भी एक्सपीरियंस है, जैसे अमरूद है या यहाँ पे सिट्रस के हवाले से पंजाब में बागात बहुत लगे हुए हैं, उसमें तो आपको तीसरे साल चौथे साल कमर्शियल प्रोडक्शन मिल जाती है। लेकिन ऑलिव का जिस तरह हमने जिक्र किया है, इसमें पांचवा छठा साल आता है, और जब अगर आप नए बागात को स्टेब्लिश करने के हवाले से बात करें तो मैदान में नर्सरी के साथ ये सारी चीजें एक साल में शायद आप ये सारा प्रोसेस कर लेते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है पोटोहार में, उसमें आपको जाहिर है जमीन के मुताबिक पहले उसको तैयारी भी करनी पड़ेगी, फिर वो नर्सरी को लगाने का अमल बजाते खुद पौधे लगाने का पहाड़ी जगहों पे निस्बतन ज्यादा टाइम लेता है, फिर वाटर सोर्स डेवलप करना, ये सारा तो ये निस्बतन ज्यादा टाइम इसके लिए चाहिए। तो हम इसको जो समझते हैं वो कमर्शियल प्रोडक्शन को छठे साल से पहले हम नहीं समझते कि ये बहुत सारे केसेस में मुमकिन होगी, क्योंकि चौथे या पांचवें साल को एस्टिमेशन नहीं करना चाहिए, और रिटर्न्स जो हैं वो आपको छठे साल के बाद ही जो है उसमें आना चाहिए। अब जो जो प्रोजेक्ट छठे साल में प्रोडक्शन दे रहा है, इसका जो एक मोहतात अंदाजा है ना पे बैक का पूरी इन्वेस्टमेंट का, वो तकरीबन ये 11वें 12वें साल आता है। ये उस केस में है जब हम पहले दिन से जैसे ही हमने उधर से जमीन खरीदी हम उसको काउंट करना शुरू कर दें। लेकिन ऑलिव की फिजिबिलिटी में लोग यहाँ पे नहीं, बाकी दुनिया में भी लोग इसको ये समझते हैं कि अच्छा तरीका ये है कि आप 4 साल पहले जो है ना उसको, जब तक कमर्शियल प्रोडक्शन के चांसेस होते ही नहीं है बाग में, उसको आप प्री ऑपरेटिंग पीरियड में लें, और जब आप इस तरीके से इसकी फिजिबिलिटी देखते हैं और इस इन्वेस्टमेंट की, तो ये 6ठे साल में आपका पे बैक जो है ये करती है कमर्शियल प्रोडक्शन। तो ये इसकी मोटी मोटी कैलकुलेशन है, ये एस्टिमेशन है इसकी पे बैक की। बाकी इसका जो IRR के हवाले से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का जो कंपैरिजन है, ये 26-27% तो मिनिमम है जो इसमें लोगों ने इसको जो कैलकुलेट किया है, और सर्टन केसेस ये उससे भी IRR जो है वो 30% से भी ज्यादा जो है एस्टिमेशन। अच्छा असद साहब, ये बड़ा क्योंकि अगेन मैं थोड़ा सा ये यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रोडक्शन के बिजनेस को तो जब आप देखते हैं, जहाँ पे कोई फैक्ट्री लगानी है, मशीनरी लगानी है, तो वहाँ तो आप देखते हैं कि जी हमारी जो प्रोडक्शन है वो दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में पे बैक दे जाएगी, IRR जो है वो 30% के करीब IRR आ रहा होगा। तो उसको से जब आप इसको कंपैरिजन करते हैं कि जी 11वें साल में पे बैक आएगी, यानी कि जो पैसे आपने लगाए हैं वो 11वें साल में सारे पैसे आपको आमदन की शक्ल में वापस हो चुके होंगे, लेकिन इसकी दूसरी साइड भी है, उसके ऊपर थोड़ा सा जरूर ऑलिव आप का जो फायदा है, 11 साल इंतजार करते रहे तो कितने, उसके उसके बाद 11 साल इंतजार करने के बाद कितने साल आप उसका फल बैठ के खा सकते हैं, तो इसके देखिए बारे में। बड़ी बड़ी, हाँ गुड क्वेश्चन, ये बड़ी अमेजिंग बात है। आपको भी पता है कि अच्छे से अच्छा ऑर्चर्ड जो है ना सिट्रस का 15-20 साल 25 साल के बाद जो है उसको आपको करना पड़ता है, अमरूद के बाग के साथ भी ऐसे ही होता है। लेकिन ऑलिव की खूबसूरती ये है कि ये 100 साल तो कहीं नहीं गए, और जो एक मोहतात लोग इसके बारे में फिगर्स की बात करते हैं, 200-250 साल तक इसकी इसी ऑर्चर्ड की प्रोडक्शन आती रहती है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है बड़ी लॉन्ग टर्म उस हवाले से। तो जो इन्वेस्टर का जो पर्सपेक्टिव है ना, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा, अगर तो इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव उस प्रोडक्शन के हवाले से है ना, जैसे फैक्ट्री लगाने से, तो आमतौर पे 3 साल 4 साल 5 साल का पे बैक को एक समझा जाता है कि ये सही है। लेकिन अगर ऐसे बिजनेस में आप एंटर हो रहे हैं जिसको 250 साल तक जो है उसने पे चलते रहना है, या 100 साल तो कहीं नहीं गए, तो उसका पर्सपेक्टिव जो है इन्वेस्टमेंट का वो थोड़ा सा बदल। तो इसमें सबर और पेशेंस नेचुरली चाहिए, टाइम होराइजन जो है वो बाकी इन्वेस्टमेंट की निस्बत जो है ये ज्यादा रिक्वायर्ड करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसे लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट है और वो उनके पास दूसरी ऑप्शन है, वो तो जाहिर है कंपैरिजन में देखेंगे कि भाई हम इधर भी जा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन पोटोहार की इन जमीनों के हवाले से और ऑलिव के हवाले से
इतनी कम कीमत की जमीनों में एक खास तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है, ये अपॉर्चुनिटी भी ऐसी है जो कि किसी और जगह अवेलेबल है। तो जिन लोगों को की जमीनें वहां पे हैं या जो थोड़ा लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के हवाले से देखेंगे, तो उनकी फिजिबिलिटी आती ही इस फैक्टर से है कि बड़े कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है उसमें जा रहे हैं जो कि जिसकी रिटर्न बहुत देर तक आपको आती रहेंगी, यानी एक नस्ल दूसरी नस्ल तीसरी नस्ल तक की जो है ये प्रोडक्शन चलती रहती। और तो पढ़ती आई जाए होप आपके के साथ। जी प्लीज। और जी मैं कह रहा हूँ, और उसके अलावा ये कि शुरू में तो मेहनत है और खर्चा है, आगे चल के वो बढ़ती जाए, मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ती जाती है और खर्चा भी कम होता जाता है। जी, तो ऐसे और इसमें एक और जैसे फैक्टर भी है कि आप ऑलिव के बागात को बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती, यानी जो आप समझें कि कुछ जगह पर बड़ी इंटेंसिव किस्म की मैनेजमेंट चाहिए ना आपको कुछ कामों के लिए, ऑलिव के बाग को इतनी इंटेंसिव मैनेजमेंट भी नहीं चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि ट्रेड ऑफ में प्ले कर रहे होते हैं। सब, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन लोगों की जो एग्रीकल्चर में नहीं, ऑर्चर्ड मैनेजमेंट में नहीं और लंबी इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्टेड नहीं है, और वो ये चाहते हैं कि इस सेक्टर में आके काम किया जाए। और जो एक नॉर्मल प्रोडक्शन का सिस्टम है कि आप इसमें से ऑलिव ऑयल निकाल लें या इसकी कोई और प्रोडक्ट बना लें, तो उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इसकी वैल्यू चेन के अंदर जो एक इनपुट साइड है, इनपुट्स क्या उसमें आती हैं बाग के लिए जो जरूरत है जिनकी, और इसकी जो आउटपुट या मार्केटिंग साइड है, उसमें इसकी वैल्यू चेन में किन किन चीज़ों के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अगर आप इसकी वैल्यू चेन का थोड़ा सा असेसमेंट करके बताएं कि क्या इनपुट्स चाहिए हैं, जब बाग से प्रोडक्ट्स तैयार हो जाती है तो क्या क्या उसके साथ किया जा सकता है, किस किस्म की उसकी वैल्यू एडिशन हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा हमारे लिए प्लीज़ मैप करें। जी जरूर, लेकिन मैं सॉरी वो बात कवर नहीं कर सका जो फहीम साहब ने सवाल किया था, उस पर थोड़ी सी बात कर लें फिर मैं आपके इस तरफ आता हूँ। लेकिन फहीम साहब जो बात है ना छोटे प्रोजेक्ट के हवाले से और थोड़े साइज के प्रोजेक्ट के हवाले से, अगर आप जाती तौर पे मेरे से पूछें तो मैं जो मैंने इसको देखा है समझा है सारे साल, मैं इसको एक नए इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट नहीं समझता। जो अलबत्ता आपने जो कंसोर्सियम के हवाले से बात की है, ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है कि लोग मिलके एक कंसोर्सियम बना के एक साइज का प्रोजेक्ट जो है उसमें आए। तो उसमें होता यह है कि इस तरह उसका हर एक का अपना जाती जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि कारोबार में आपको कारोबार का नफा जो है वो इंश्योर करना बड़ा जरूरी है। तो वो ऑलिव की हद तक कम से कम एक साइज के प्रोजेक्ट पे ये हमें ज्यादा नजर आता है कि ये 25-30 एकड़ या इससे बड़े साइज पे जब आप चले जाते हैं तो फिर आपका जो नफा है वो आपको उसमें से उसको हासिल करने के आपका जो चांसेस हैं और कामयाबी के जो चांसेस हैं वो बहुत बेहतर होते हैं, नहीं बिल्कुल क्योंकि ठीक है बहरहाल आपको मैनेजमेंट और ये सारी चाहिए जी ये जी काम के लिए। मैं बिल्कुल, जैसे भी बाबा ने भी मेखर में वैल्यू एडिट की तरफ आ रहे थे कि पाकिस्तान में जब इतनी ज्यादा ऑलिव ग्रो होती है तो ऑब्वियसली वैल्यू एडिट में बहुत सारे लोग जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनिशियली वो अपॉर्चुनिटी अभी आप बात करेंगे, अनफॉर्चुनेटली हमारे आज का टाइम थोड़ा रह गया है तो मुझे लगता है कि इसको हम आगे लेके ही चलेंगे। वैल्यू एडिट पे अगर आप थोड़ा सा हमारे पास मेखल में, मैं मुख्तसर जी बिल्कुल बिल्कुल, और बाबत ने भी कभी मुझे मुझे टाइम पे इजाजत, बात। आई थिंक वैल्यू एडिट पे डिटेल बात तो शायद अगले प्रोग्राम के लिए रख लेते हैं, लेकिन अगर आप पूरी वैल्यू चेन एक दफा मैप कर दें कि इनपुट ओके साइड पे क्या कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो जिनमें आके इन्वेस्ट किया जा सकता है और आउटपुट साइड पे कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, तो उस मैपिंग के बाद मेरे लिए अगले अगले सेशन की प्लानिंग और आपके और मेरे लिए उसकी बुनियाद डल जाएगी। मैं इसमें सिर्फ एक बात ऐड करूंगा जो आप दोनों एक्सपर्ट की गुफ्तगू से लगा, और ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे अक्सर पेरेंट्स या जो सेविंग रखी होती है वो अपने बच्चों के लिए एक तरह से सेविंग रखी होती है कि कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो उसकी रिटर्न तो कोई 5-10 साल के बाद ही लेते हैं, लेकिन वो 5-10 साल के बाद उसकी कितनी रिटर्न होती है। लेकिन जो आपने बात की कि ऑलिव की जो लाइफ लाइन है वो 100 साल तक हो सकती है, तो दो सौ ये साल दो आपने जी कितना बाबर क्या कह रहे हैं आप, ढाई सौ साल दो ढाई सौ साल ये तो एक तरह से एक बहुत ही
क्या कहते हैं पंजाबी की कहावत है, दादा लावे ते पोता हंडावे वाली बात है, और ये आने वाली जनरेशन के लिए एक बड़ा ही जबरदस्त साइन है। मुझे नहीं समझ आ रही, ठीक है आप लोग एक्सपर्ट हैं, कि आप एक काम अच्छा भी कर रहे हैं इन इन द सेंस के ऑलिव ऑयल हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं डिस्काइज है कि हमारे मुल्क में इन हेल्थ के इतने इश्यू हैं और हमारे पास जो ऑयल इस्तेमाल होता है उसकी क्वालिटी इतनी खराब होती है कि जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो जाती हैं। तो ये तो एक तरह से सदका जारिया वाली बात हो गई, तो ये इसमें बहुत अच्छा पहलू है, तो मैंने इसी को टच किया। अब आप वैल्यू एडिट पे आ जाए और बात को चलिए। मुख्तसर, इसकी जो वैल्यू चेन है ना ऑलिव की, बाबर, जो ऑर्चर्ड से पहले दो चीजें हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से अपॉर्चुनिटी है। एक तो पाकिस्तान में सर्टिफाइड नर्सरीज जो हैं, जो यानी ऐसे प्लांट पैदा करें जो कि सर्टिफाइड हों और अच्छी वैरायटीज के हों, वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारी गुंजाइश। तो ये एक एरिया है कि पाकिस्तान में जैसे बागात लग रहे हैं, तो इम्पोर्टेड के साथ पाकिस्तानी लोकल प्रोड्यूस करना प्लांट, और वो उनकी सेल जो है वो एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट उसका हमें नज़र आता है। बाकी एग्रीकल्चर के बाकी जो मामलात हैं उसमें तो शायद जनरल ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि ऑलिव को भी सर्व कर रही है, लेकिन इसके अलावा फिर जो बाकी वैल्यू चेन में चीज़ें हैं वो ऑलिव की प्रोसेसिंग के फैक्टर्स। दोनों जगह तेल प्रोसेस करना जो है, ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस करना, ये एक ऐसा एरिया है जो कि जिसकी अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रही है और ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, इसने या तो इसी तरह तेल की शक्ल में इसको आपने कन्वर्ट करना है तो फिर ये कंज्यूमर के काम आएगा, इसलिए। और ज्यादातर ऑयल का पर्पस भी ये, यानी 70-80% जो है वो आपका ऑयल ही में दुनिया में ऑलिव को इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, हेल्थ के हवाले से तो ऑलिव के क्योंकि प्रोडक्ट्स भी काफी ज्यादा समझे जाते हैं कि उनके अंदर बेनिफिट है हेल्थ के, तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हैं ऑलिव के जिनको प्रोसेसिंग की जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि ऑलिव के रिंग्स होते हैं ब्राइन सॉल्यूशन में, यानी नमकीन पानी में जो आपको पैक शक्ल में मिलते हैं, इसकी तरह पाकिस्तान में ऑलिव का अचार और इस तरह की चीजें जो हैं वो, तो ये जो टेबल के प्रोडक्ट हैं, यानी अपने अपने खाने के साथ जो आप चीजें इस्तेमाल करते हैं ऑलिव की बनी हुई, इसकी भी एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट है जो कि दूसरा प्रॉस्पेक्ट है आपकी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आप अगेन ऑलिव की प्रोडक्शन की तरह ये काम पाकिस्तान में अब क्योंकि हो रहा है, इसकी मार्केट तो पहले एग्जिस्ट करती है क्योंकि इम्पोर्ट होके अभी तक ये सारे प्रोडक्ट बिक रहे थे पाकिस्तान में। और फिर इसको मैं जरा लिंक कर लूँ जो फहीम साहब ने बात की है, बिल्कुल पाकिस्तानी जो ऑलिव ऑयल है वो दुनिया के बेहतरीन ऑयल में उसके मुताबिक है। मैं बात कर रहा हूँ वर्जन और एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल का। जो एक और जो सदका जारिया वाला एस्पेक्ट है वो ये है कि दुनिया भर में, खासतौर पर पाकिस्तान में भी, बहुत सारा जो ऑलिव का ऑयल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसको उसको हम कहते हैं पॉमिस ऑयल, वो उसके जो जो गोदा या वो कॉक है उसमें से केमिकल एक्सट्रैक्शन से निकाला जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो हमने पहले बात की ना, 8 से 10% जो कोल्ड प्रेस ऑयल होता है जो कि सही ऑलिव ऑयल जिसके सारे बेनिफिट उसमें इंटैक्ट होते हैं, उसके अलावा कंपनीज अपनी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसको केमिकल तरीके से भी इसमें से मजीद ऑयल निकालते हैं जो कि 7-8% वो भी बन जाते हैं। इसकी जो रिप्लेसमेंट है अगर वर्जन ऑयल के साथ जो है, ये एक बहुत बड़ा एक सदका जारी है जो कि लोगों तक पहुँचाया जा सकता है, और जब आप लोकल इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये नेचुरली एक इसका बाय प्रोडक्ट है कि इस साथ पाकिस्तान में भी इसका इजाफा किया जा सकता है, और ये जो फिजिबल है जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि ये एक एडिशनल वैल्यू एडिशन वाला जो प्रोजेक्ट्स हैं ये भी एक पॉसिबिलिटी अब बन गई है हमारे। अच्छा, मैं अगर सब आपकी बात को समराइज कर सकूं और फिर मुझे बताइए अगर इसमें से कोई चीज़ मिस हो गई है। आपने बताया ये कि जी जब वैल्यू एडिशन की जाती है ऑलिव्स की,
तो उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है तकरीबन 80% के करीब वो तो ऑयल प्रोडक्शन के लिए ही है, ऑलिव का तेल जो निकाला जाता है। उसमें जो कोल्ड प्रेस के तरीके से तेल निकाला जाता है वो 10 से 12% के करीब सिंपल कोल्ड प्रेस के तरीके से तेल निकाल लिया जाता है, जिसको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कहते हैं। ये सबसे एक प्रीमियम क्वालिटी का तेल होता है। उसके बाद जो उसका उसका गूदा वगैरह बच जाता है तेल निकालने के बाद, उसको केमिकल वाले तरीके केमिकल के थ्री ट्रीटमेंट के थ्रू उसमें से मजीद 8 से 10% ऑयल जो है उसमें से मजीद निकल आता है। उस ऑयल को कहते हैं पॉमस ऑयल, जो कि थोड़ा सा सेकंड सेकंड ग्रेड का ऑयल होता है। उसके बाद उसमें से ये जिस तरह जितने भी तेल हैं उनका जो आखिर में गूदा बचता है जिसको हम केक कहते हैं, आई एम श्योर उस केक का भी कोई ना कोई इस्तेमाल होगा, क्योंकि जितने भी हमारे मुल्क में तेल निकलते हैं उस केक का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहीं कोई पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल हो जाता है, कोई एनिमल फीड में इस्तेमाल हो जाता है, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो जाता है। तो आई एम श्योर इस केक की भी कोई ना कोई प्रोडक्शन का कोई ना कोई इस्तेमाल कोई ना कोई चीज़ होगी। उस पर भी आई थिंक अगले प्रोग्राम में कमेंट कीजिएगा। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए वैसे तो इसके जो पत्ते हैं आपको पता है उससे ऑलिव कावा कितना एक विजिबल प्रोडक्ट है, जो कि बहुत तेजी से उसकी मार्केट भी डेवलप हो रही है, तो बाय प्रोडक्ट के भी पॉसिबिलिटीज। अच्छा, उसके बाद आपने ये चले ऑलिव टी की आपने बात की, तो हम ये जो बाहर से पाकिस्तान में चाय की पत्ती सारी इंपोर्ट की जाती है, तेल भी इंपोर्ट किया जाता है सारा का सारा, पाकिस्तान में तेल इतना ज़्यादा नहीं बनता, इसी तरह चाय की पत्ती भी सारी इंपोर्ट की जाती है। और ग्रीन टी के हवाले से आपने कहा कि ऑलिव की जो जो पत्ता है उससे एक बड़ी सेहतमंद जो है वो चाय टी बन जाती है, तो आप लोकली अपनी टी की प्रोडक्ट्स भी बना के ऑलिव टी टेस्ट में आपने मुझे गिफ्ट की थी, मुझे इसलिए याद है, तो वो उसका टेस्ट वगैरह भी बड़ा अच्छा है और सेहत सेहत के हवाले से भी बहुत अच्छी है। और उसके अलावा आपने आपने बात की थी, और ये मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, वो एक छोटा सा जार आता है शीशे का जिसमें ऑलिव का जो फ्रूट है वो गोल्ड फ्रूट, उसमें से गुठली निकाल ली जाती है और उसको एक जार में पता नहीं सिरके में या किसी पानी प्रिजर्वेटिव में ट्रांसपेरेंट कलर का लिक्विड होता है उसमें वो भरे होते हैं ऑलिव ऊपर तक, वो डाइस शक्ल में भी होते हैं, कई दफ़ा छोटी छोटी उसकी डाइसेस बनाई होती हैं और कई दफ़ा वो होल फ्रूट की शक्ल में होते हैं। तो आपने कहा कि इस तरीके से भी उसको उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये तीन चार कैटेगरीज जो है वो इसकी बनती है, क्या यही है या इसके अलावा भी कोई चीज़ है? देखें ये तो मेजर कैटेगरीज हैं जिसका आपने जिक्र किया है, और इसकी मार्केट जो है इन प्रोडक्ट्स की पाकिस्तान में भी बढ़ी है और दुनिया में भी बढ़ी है, और बड़ी इसमें जिद्दत भी आ रही है। मतलब मुझे खैर पाकिस्तान में हमने क्योंकि ये शुरू करवाया है ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, और आपको मालूम है कि हमने कुछ सपोर्ट भी किया ऐसे लोगों को जिन्होंने इस तरह की अब बिजनेसेस शुरू कर लिए हैं और वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में बनना शुरू हो गए, जिन जैसे आपने स्लाइस की बात की, पिटेड ऑलिव की बात की है जो ब्रांच सॉल्यूशन में है जो कि लोग बड़े शौक से खाते हैं, अचार और मुरब्बे इसके बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन दुनिया में भी इसकी मार्केट शेल्फ के हवाले से बढ़ रही है। मुझे जो इतफाक हुआ देखने का, ऐसे प्रोडक्ट जो कि आप भी देखेंगे यूके में भी शायद अवेलेबल होंगे, बहुत सारे मुल्कों में शेल्फ में अवेलेबल हैं, वो इसमें टर्की से और बाकी बहुत सारे मुल्कों से, मोरक्को से ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जिसमें मजीद भी जिद्दत आ गई और वो उसकी कंजम्पशन भी बढ़ती जा रही है। मसलन ऑलिव के साथ जो है उसकी जैसे आपका गार्लिक है, गार्लिक बहुत हेल्थ बेनिफिट उसका है, तो गार्लिक के स्लाइसेस और ऑलिव के स्लाइसेस बना के भी इस तरह के वेरिएंट्स बन गए हैं, पिकल्स और इस तरह के बन गए हैं जो कि लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो ये एक वो कैटेगरी है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की जो कि बड़ी तेजी से पॉपुलर भी होती जा रही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करूंगा बीच में, ये क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने नहीं लेके आया, हमारा टाइम भी थोड़ा सा ओवर भी हो गया, लेकिन मैंने बिल्कुल कोशिश करेंगे अगले प्रोग्राम में हम ये सारी वैल्यू एडिट की चीज़ें भी लगाएं। अनफॉर्चुनेटली आज हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर सके। एक क्वेश्चन था जो शायद क्विकली अगर आप अभी देर से, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई किसी किस्म की इंसेंटिव दे रही है अगर कोई बाहर से बंदा आता है, किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है, तो
अगर आपके पास अभी आंसर है नहीं तो अगले वीक में हम कर लेंगे, बस उसके बाद बेशक आप इस प्रोग्राम को यहाँ पे बाबर कंक्लूड कर लें और हम अगली दफा इंशाल्लाह इसी इसी सब्जेक्ट को लेके, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, तो हम बात करेंगे। जी श्योर जी, बिल्कुल प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लेकिन इस पर तफसीलन इंशाल्लाह हम बात करें। ओके, अगर आपकी इजाजत हो जी, मैं कंक्लूजन में बस बेसिकली एक एक रीकैप कर देता हूँ। असद साहब ने हमें जी ये बताया कि 2016 से लेके पाकिस्तान में, खास तौर पे पंजाब में, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ऑलिव की कल्टीवेशन का, एक मॉडर्न अच्छी वैरायटी वाले ऑलिव की कल्टीवेशन का आगाज हुआ। ऑलिव का छोटी छोटी कल्टीवेशन अनऑर्गेनाइज तरीके से तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन यह 2016 में इसका बाकायदा आगाज हुआ, और उस आगाज से जो है कम से कम पंजाब के अंदर इस वक्त तक 12,000 एकड़ ऑलिव लग चुका है। मेरे ख्याल में तकरीबन इतना ही ऑलिव जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी लग चुका है, और बलोचिस्तान में भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पे ऑलिव की प्लांटेशन और कल्टीवेशन की जा सकती है। अगर आपने ऑलिव के ऑर्चर्ड की तरफ जाना है तो इस बात को प्लीज़ ज़रूर अपने जहन में रखिएगा कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसने आपको 200 से 250 साल तक अपने रिटर्न्स देने हैं। लेकिन शुरू में इसमें कुछ थोड़ी ज़मीन की खरीदारी की वजह के हवाले से, वाटर के सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए ज़मीन के हवाले से एक इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है, लेकिन जब आप वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो और उसके बाद 3 से 4 साल तक पौधे का ध्यान रख लेते हैं, तो वहाँ से फिर एक आगाज़ शुरू होता है आपके एक एक, एक रिटर्न्स आने का। और जब वो एक दफ़ा रिटर्न आना शुरू होती हैं, एक तो ये कि वो हर साल 30 से 35% रिटर्न बढ़ती जाती है, खर्चे कम होते जाते हैं, रिटर्न हर साल 30 से 35% बढ़ती जाती है। और जब वो ऑर्चर्ड अपनी फुल फ्रूटेशन पे चला जाता है, जो कि 8वें 9वें साल में गालबन जाता होगा, तो उसके बाद 200-250 साल बैठ के आपने और आपके बच्चों ने और आपके बच्चों के बच्चों ने सिर्फ जो है इसको खाना है और इसके इसके जो है ना फायदे जो है उनसे बेनिफिट उठाना है। तो ये एक मतलब थोड़ी सी यूनिक किस्म की एक एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है इसके वैल्यू एडेड सेक्टर्स के हवाले से, तो वो हम अगले प्रोग्राम में उस पर ज्यादा डिटेल में बात करें। जी ठीक है, जबरदस्त असद भाई, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ओवर हो गया, मुझे लगता है आपको भी कहीं जाना है, तो मैं देखा हूँ आप थोड़े से एंग्शियस हो रहे हैं, तो इनशाला अगले प्रोग्राम में हम ऑलिव में और डिटेल में बात करेंगे, और गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है थोड़ी इंफॉर्मेशन वो भी मिल जाएगी। और मुझे तो एक बड़ा प्रॉमिसिंग बात लग रही है कि ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी जो ऑलिव की अवेलेबिलिटी है, हेल्थ वाइज भी और इकोनॉमिकली भी। सो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, बाबर आपका बहुत शुक्रिया, असद भाई आपका बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, देखते रहिए नया दिन। जी थैंक यू।